वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हरियाणा राज्य के जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 40 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हो। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपको नम्र विनंती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों तो जय, लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, हरियाणा राज्य का स्थापना दिन कौन सा है? हरियाणा राज्य का स्थापना दिन कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 1 नवंबर 1966 में हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी। 1 नवंबर 1966। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, हरियाणा की राजधानी कौन सी है? हरियाणा राज्य की राजधानी कौन सी है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब दोनों राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन है? हरियाणा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है पंडित भगवत दयाल शर्मा जी। पंडित भगवत दयाल शर्मा जी हरियाणा राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, हरियाणा राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? हरियाणा राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? क्वेश्चन का सही उत्तर है धर्मवीरा जी। धर्मवीर जी हरियाणा राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? हरियाणा राज्य का राज्य पशु कौन सा है? क्वेश्चन का सही उत्तर है नीलगाय। नीलगाय हरियाणा राज्य का राज्य पशु है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, हरियाणा राज्य का राज्य फूल कौन सा है? हरियाणा राज्य का राज्य फूल कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है कमल। कमल हरियाणा राज्य का राज्य फूल है, यह हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, हरियाणा का राज्य पेड़ कौन सा है? हरियाणा राज्य का राज्य पेड़ कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है पीपल। पीपल का पेड़ हरियाणा राज्य का राज्य पेड़ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? हरियाणा राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है काला तीतर। काला तीतर हरियाणा राज्य का राज्य पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन, हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, नगर कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है फरीदाबाद। फरीदाबाद हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन, हरियाणा राज्य के प्रमुख लोक नृत्य कौन से है? हरियाणा राज्य के प्रमुख लोक नृत्य कौन से कौन कौन से है, यह हमें पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है घूमर, सांग डांस, छठी डांस, खोरिया डांस या रासलीला। ये हरियाणा राज्य के प्रमुख लोक नृत्य है। घूमर, सांग डांस, छठी डांस, खोरिया डांस या रासलीला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इलेवन, हरियाणा राज्य की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? हरियाणा राज्य की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है यमुना, दगधर, मारकंडा। यमुना, दगधर, मारकंडा हरियाणा राज्य की प्रमुख नदियाँ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, हरियाणा के पड़ोसी राज्य कौन कौन से? हरियाणा राज्य के पड़ोसी राज्य कौन कौन से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें पता होना चाहिए कौन कौन से राज्यों से हरियाणा राज्य की सीमा जुड़ी हुई है। इस
क्वेश्चन का सही उत्तर है दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य से हरियाणा राज्य की सीमाएं जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा के प्रमुख पर्यटक स्थल कौन से है, कौन कौन से है? हरियाणा राज्य के प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है राजहंस, बडखल झील, सूरजकुंड, दबचीक, सुल्तानपुर, सोहना आदि हरियाणा के प्रमुख पर्यटक स्थल है। राजहंस, बडखल झील, सूरजकुंड, दबचीक, सुल्तानपुर, सोहना आदि हरियाणा राज्य के प्रमुख पर्यटक स्थल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा में कितने जिले हैं? हरियाणा राज्य में वर्तमान में कितने जिले हैं? क्वेश्चन का सही उत्तर है 22, 22 जिले हैं हरियाणा राज्य में वर्तमान में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? हरियाणा राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्वेश्चन का सही उत्तर है पंचकूला, पंचकूला जिला हरियाणा राज्य का सबसे छोटा जिला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है भिवानी, भिवानी जिला हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? हरियाणा राज्य की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है कर पीक, जो मोरनी हिल्स है, सबसे ऊंची पर्वतमाला हरियाणा राज्य में आती है। मोरनी हिल्स फेमस है, पर्यटक स्थल है और ये वहाँ पे एक कर पीक है जो सबसे ऊंची चोटी है उस वहाँ की, हरियाणा मोरनी हिल्स की, हरियाणा राज्य में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला हरियाणा में कहाँ लगता है? प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला हर साल हरियाणा में कहाँ लगता है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सूरजकुंड, फरीदाबाद। सूरजकुंड, फरीदाबाद में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला लगता है हरियाणा राज्य में। जो सूरजकुंड कहाँ पे है तो फरीदाबाद में, ये भी बहुत फेमस पर्यटक स्थल है सूरजकुंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? हरियाणा के किस जिले में स्थित है सुल्तानपुर नेशनल पार्क? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है गुड़गांव, जिसे अभी गुड़गांव का नाम बदल के गुरुग्राम कर दिया गया है, तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क में स्थित है गुड़गांव, गुरुग्राम में स्थित है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हरियाणा राज्य में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? हरियाणा राज्य में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है यमुनानगर, हरियाणा राज्य में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हरियाणा में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ है? हरियाणा राज्य में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है पिंजौर में, जो पंचकूला जिले में आता है पिंजौर, वहाँ पे गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है हरियाणा राज्य का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर बिनोला, जो गुरुग्राम में आता है बिनोला, वहाँ पे हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बन रही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सन 1240 में रजिया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ था? सन 1240 में रजिया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है कैथल, कैथल में सन 1240 में रजिया बेगम का कत्ल हुआ था। ऐसा भी क्वेश्चन है रजिया बेगम का कत्ल कब हुआ था, तो 1240 में कहाँ हुआ था, कैथल में। तो कैथल में रजिया बेगम का मकबरा है, समाधि स्थल है, ये भी हमें पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, शेरशाह
का बचपन हरियाणा के कौन से जिले में बीता था? शेरशाह का बचपन हरियाणा के कौन से जिले में बीता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ जिले में शेरशाह का बचपन हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में बीता था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है हेमू और अकबर के बीच हुआ था। हेमू और अकबर के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। भाखड़ा डैम के जन्मदाता किसे माना जाता है? भाखड़ा डैम के जन्मदाता किसे माना जाता है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है चौधरी छोटूराम। चौधरी छोटूराम को भाखड़ा डैम के जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। हरियाणा राज्य में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? हरियाणा राज्य में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है गोरखपुर फतेहाबाद। गोरखपुर में, जो फतेहाबाद में आता है गोरखपुर, वहाँ पे हरियाणा के परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है पानीपत। पानीपत में इब्राहिम लोदी का मकबरा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। हरियाणा के कौन से जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? हरियाणा के कौन से जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ जिले में, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। हरियाणा में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 1967 में हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। महाभारत की रचना वेदव्यास ने हरियाणा में कहाँ की थी? महाभारत की रचना वेदव्यास जी ने की थी तो हरियाणा में कहाँ की थी? इस क्वेश्चन का सही उत्तर कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जहाँ महाभारत का युद्ध लड़ा गया था वहीं पे वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। वैज्ञानिक उपकरण बनाने के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? वैज्ञानिक उपकरण बनाने के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अंबाला। अंबाला जिला वैज्ञानिक उपकरण बनाने के लिए प्रसिद्ध है हरियाणा में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। हरियाणवी भाषा में लिखित प्रथम उपन्यास कौन सा था? हरियाणवी भाषा में लिखित प्रथम उपन्यास कौन सा था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है जाडूफिरी। जाडूफिरी उपन्यास हरियाणवी भाषा में लिखित प्रथम उपन्यास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। 1 जुलाई 1961 में कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? पहला तो कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था? 1 जुलाई 1961 में हुआ था, तो कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है हरियाणा के करनाल में। करनाल में कल्पना चावला का जन्म हुआ था, जन्मस्थल है करनाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य ग्रहण का मेला हरियाणा में कहाँ लगता है? सूर्य ग्रहण का मेला हरियाणा में कहाँ लगता है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का मेला लगता है हरियाणा में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। कौन सा नगर धान का कटोरा या हरियाणा का पेरिस है? कौन सा नगर धान का कटोरा और हरियाणा का पेरिस है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है करनाल। करनाल धान का कटोरा या हरियाणा का पेरिस के नाम से प्रसिद्ध है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, कौन से तीर्थ स्थान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? कौन से तीर्थ स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ज्योतिसर सरोवर तीर्थ, ज्योतिसर सरोवर तीर्थ जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, वो बहुत ही प्रसिद्ध है ज्योतिसर सरोवर तीर्थ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, हरियाणा की कौन सी महिला दो बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली भारत की पहली महिला है? हरियाणा की कौन सी महिला दो बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली भारत की पहली महिला है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है संतोष यादव। संतोष यादव हरियाणा की एक महिला है जो दो बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली भारत की पहली महिला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, तराई का मैदान वर्तमान में कहाँ है? तराई का मैदान वर्तमान में कहाँ है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है करनाल। करनाल में है तराई का मैदान, जहाँ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हरियाणा में कौन से जिले में है? गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हरियाणा में कौन से जिले में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है हिंसार। हिंसार जिले में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय बहुत ही फेमस है। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो संपूर्ण होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपको नम्र विनंती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।